सरकार बड़ी लापरवाही कर रही है, उसको ध्यान देना चाहिए, किसानों की मदद करनी चाहिए। पेपरों में ही देती है कि हम किसान का इतना फायदा पहुंचा रहे हैं, इतना कर रहे, लेकिन सरकार किसी भी अंदाता का कोई फायदा नहीं पहुंचा रही है। SDM ऑफिस के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गए हैं कि कोई सुनाई नहीं है किसी तरह के भी। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं नजफगढ़ न्यूज। दिल्ली बिहार के रावता झुंझुनी गाँव सहित कई गाँव में सैकड़ों एकड़ खेत पिछले साल हुई बारिश और बाढ़ की वजह से डूब गए, जिस वजह से खेतों में लगे सरसों धान आदि की फसलें डूबकर बर्बाद हो गई और किसानों को इस कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा। अधिक जानकारी के लिए देखिए वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पिछले साल भी धान में नुकसान हो गया था काफी बारिश ज्यादा होने की वजह से, और सरकार ने मुआवजा भी डिक्लेयर किया था, सर्वे भी हुई थी, सर्वे में हमारा नाम भी था, लेकिन जब वो लिस्ट बन के आई मुआवजे की, उसमें नहीं मिला हमें, बहुत से किसानों को नहीं मिला है। 50% से ज्यादा किसान अभी चक्कर काट रहे हैं। अभी क्या करना चाहेंगे सरकार? सरकार बड़ी लापरवाही कर रही है, उसको ध्यान देना चाहिए, किसानों की मदद करनी चाहिए इसके बारे में, और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार अंदाता की तरफ पेपरों में ही देती है कि हम किसान का इतना फायदा पहुंचा रहे हैं, इतना कर रहे, लेकिन सरकार किसी भी अंदाता का कोई फायदा नहीं पहुंचा रही है। किसान धान उगाता है, धान उगाता है, सब चीज़ें उगाता है, जनता का पेट भरता है, लेकिन सरकार से किसानों की पूर्ति किसी समय भी पूर्ति नहीं हुई। पिछले साल जो फसल का जो नुकसान हुआ था धान की का और सरसों की का, उसका आज तक भी लोगों को मुआवजा नहीं मिला। अब सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, करने को तो कहती है हमने इतना दे दिया था, लेकिन किसी के तरह 50% का 10% लोगों को भी ये मुआवजा नहीं मिला, सब ऐसे ही रो पीट के अपने घर बैठ। अभी मुआवजा कुछ लोगों को मिला है, बाकी लोग तो परेशान है, वो SDM ऑफिस के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गए हैं कि कोई सुनाई नहीं है किसी तरह के भी। तो हमने कई बार लिख कर भी दिया है भाई, जो किसान रह गए हैं मुआवजे से वंचित, तो उनको मुआवजा दिया जाए। नुकसान सभी का हुआ है? नुकसान तो तकरीबन गांव का ही हुआ है, और सबसे बड़ी गलती तो ये हुई है इस मुआवजे में, जो पटवारी गिरदावल जो भी आया है सरकार का सर्वे करने वाला, उसने सर्वे ठीक तरीके से नहीं किया, जो बिल्कुल खेत डूब गए थे, पानी में लबालब हो गए थे, उनको भी उन्होंने जो सर्वे में लिखा नहीं, और वे मुआवजे से वंचित रह गए। क्या लगता है दोबारा आप लोगों ने धान रोपा, अभी तक मुआवजा नहीं मिला? दोबारा धान लग गए हैं, पिछला मुआवजा अभी तक मिला नहीं है, उसकी तो अब किसान कहाँ तक वो क्या करेगा, उसकी भरपाई कहाँ पूरी होगी। हम चाहते हैं कि किसान को जो है, जो बेचारे वंचित रह गए किसान, उनको मुआवजा मिल जाए, तो अब आने वाली फसल जो लगा रहे हैं उसमें अपना खर्चा खाद पानी का लगा करके आगे का अपना कुछ सहारा मिले उसको।